और कसडोल जनपद कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यालय में पदस्थ सब इंजीनियरों की मनमानी चरम सीमा पर है। मनमानी का खुलासा जनपद अध्यक्ष सिद्धांत मिश्रा ने औचक निरीक्षण करने से हुआ है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग कसडोल में दो सब इंजीनियर पदस्थ हैं। इन दोनों के खिलाफ कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए पूर्व में भी एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश जारी हो चुका है, फिर भी यह अधिकारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। सहायक इंजीनियर राम प्रसाद जोशी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर पामगढ़ से पंचायत का कार्य संचालित करते हैं। वहीं अरुण कुरबंसी जनपद अध्यक्ष के सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं और क्षेत्रों में हो रहे कार्यों के प्रति सजग भी नहीं है। ये दोनों और सब इंजीनियर ब्लॉक मुख्यालय से उपस्थित पंजीकर अपना उपस्थिति हस्ताक्षर नहीं करते हैं। ऐसे में इन लोगों को जनपद पंचायत के बिना अनुमोदन किए कैसे वेतन और नियमित विपरीत किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दिनों से लगातार ये शिकायत आ रही थी कि इंजीनियर जो है वो हमें अवेलेबल नहीं होते हैं, मुख्यालय में नहीं रहते हैं और मुख्यालय से बाहर रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। और पिछले सप्ताह भर से मेरे भी कांटेक्ट करने पे और अध्यक्ष महोदय के भी कांटेक्ट करने पे उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो आज हमने औचक निरीक्षण किया है। तो हमने अपने ऑफिस के रजिस्टर्स का निरीक्षण किया था, जिसमें पाया कि राम प्रसाद जोशी की 3 दिन का उपस्थिति में साइन नहीं है, तो उनको एक नोटिस दिया जा रहा है। और अरुण कुमार जी का ना तो हमारे यहाँ पर साइन है पूरे 15 दिनों का और ना ही IAS ऑफिस के उपस्थिति पंजी में साइन है 15 दिनों का, तो उनके वेतन रोकने की कार्रवाई हेतु हम एक लेट कर रहे हैं। और उसके अलावा उनके वेतन रोकने के अलावा उनका अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए हम कार्यप्रणाली अभियंता को लेट कर रहे हैं।